थोड़ी सी आवाज भी बैठी है क्योंकि इसलिए बैठा है, इतना चिल्लाना पड़ता है, इतने सारे बच्चे हैं और इसकी वजह से गला में बोला 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी झुला के ही जाऊंगा भाई, उसको भी 1 घंटा लगेगा धुलने में। लोग सचिन भाई के घर लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉश। गुन्नू यूट्यूब चैनल, तो कैसा सकल लग रहा है, थोड़ी सी आवाज भी बैठी है क्योंकि इसलिए बैठा है, इतना चिल्लाना पड़ता है, इतने सारे बच्चे हैं और इसकी वजह से गला मेरा बहुत ज्यादा बैठा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गले के अंदर कुछ घुस गया है मेरे। और यहाँ मेरा बेटा की तबीयत नहीं ठीक है, लोगों ने क्या किया ना, शादी का माहौल था, इसको प्यास वगैरह लग रही थी, कुछ भी पानी पिला दे रहे थे, और जब भी पिलाती थी तो इसको गर्म पानी ही पिलाती थी, बाप रे, तो इसको भी खांसी आ रही है, मेरा गला बैठा है, इसकी खांसी आ रही है, कैसे मेरा खिया लग रहा है, मैं कैसे लग रही हूँ, जैसे लग रहा है, फिर मोटे हो गए ना प्रवीण हम ना, हाँ जो खाने लगी इतना, अब फिर से ध्यान देना पड़ेगा मुझे, चलिए देखते हैं अभी कितने घंटा पहुँचाते हैं, इतने कम अभी कह रहा है इससे भी पतला रास्ता आएगा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, तुम्हें मजा आएगा ही। तो गाइज बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और हम लोग निकल चुके हैं सचिन मनीषा के यहाँ, अच्छा लग रहा है, पूरा धूल मेरे शरीर में भरा हुआ है, ये गाड़ी के अंदर इतना धूल भर गया है ना, बोला 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी धुला के ही जाऊंगा भाई, उसको भी 1 घंटा लगेगा धुलने में, आधा घंटा कम से कम, तब समझ आएगा ना, चलती धुलवाओगे पाइप लोग, कहाँ से आएगा, छोटा छोटा लगता है, क्या छोटा लगता है, सही घंटा पार होते जब भीड़ लगी, पानी कहाँ था, यहाँ पे पानी नहीं मिला, नहीं पानी ले लेंगे नया बोतल, तो चलिए आगे का रास्ता आप लोग देखते रहिए, बाकी आप कुछ बोलते रहिए, क्या आगे का रास्ता देखें, क्या देखे, ये देखो गाय गोबर, ये देखो, ये देखो यहाँ पे छठ पूजा होता है, तभी देखो ये बना हुआ है, उतरे उतरोगी नहीं, सीख दिख रहे किट्टो, उतरना नहीं चाह रही गाड़ी से, अरे हमको हो गया 5-6 घंटा बाबू को लेकर गोद में बैठे हुए, तुम्हें क्या पता, बताओ बाबू सो रहा है, क्या सो रहा है वो, सुपर मानो, नहीं तो दिक्कत करता है, रोता तबीयत नहीं सही इसलिए सो रहा है, वो खांसी आ रही, कोई सबने के ठंडा पानी, तुम्हारी आवाज चेंज हो गई है, तो इस समय हम लोग बलिया में हैं, मेरी आवाज सही है परवीन में, अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सही रही, तुम चिल्लाते हो कि तुम बोलते हो कि बच्चा देखते हो, बाबू सब कुछ ऐसा बात बोलती, बच्चा देखते हो जैसे बच्चा हम देखते ही नहीं है, कुछ नहीं देखते हो तो तुम गाड़ी चलाओ, बच्चा देखे तुम, क्या हमको आता ही नहीं है, तुम्हें देखूंगा, तुमको जो आता तुम करो, जो मुझको आता मैं वो करूँ, यही तो था यार गाड़ी धुलने वाला, लेकिन भीड़ था, भीड़ था। हाँ गाड़ियों की लाइन लगी थी, और कहीं नहीं है क्या, बहुत मिलेगा भाई, बहुत मिलेगा, चलते रहिए, तो बलिया पहुंच चुके हैं हम लोग, ये बलिया पहुंचे कि पता चला कि कहाँ पहुंचे हैं, बलिया छप्पड़ के, ये तो बंद है, बलिया छप्पड़ के लौंडा बस आरा भगवा, मेरा दोस्त की पोस्टिंग, मेरा दोस्त है गाजीपुर में पोस्टिंग, उसकी पता है तुमको, अच्छा हाँ पुलिस में, हाँ थाना अधिकारी है, गाजीपुर तक तो ठीक है, गाजीपुर का मऊ तक ठीक है, नहीं मऊ तक नहीं ठीक है, इधर होना चाहिए, मऊ पहुँचते ठीक है, पानी की तो ज्यादा यहाँ पे है, लेकिन है नहीं धुलने वाला, ये पेट्रोल टंकी बंद हो गया लग रहा है, लोग सचिन भाई के घर लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉश, गाड़ी हमारी बहुत गंदी हो गई थी और पहली बार गाड़ी इतनी गंदी हुई है, कभी इतनी गंदी नहीं हुई थी गाड़ी, फर्स्ट टाइम, बाप रे देखो नीचे कितना कचरा है, आज पहली बार अपनी गाड़ी साफ करते हुए भी देख रही है, किट्टू 2 घंटा नहीं लगा, टाइम तो देना पड़ता है हर चीज में, अब ये सोचो किसी चीज में टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा भैया हर चीज में, क्यों ये को धुला जा रहा है, मस्त चमकती हुई गाड़ी जाएगी, हम तो वही सोच रहे थे धुलने के लिए, मिला नहीं रास्ते, गाड़ी दे दो कितना लेयर जमती का है,
इतनी गंदी गाड़ी तो कभी नहीं रखते आप दिल्ली में, कभी नहीं इतनी गंदी, पहले भी इतनी गंदी नहीं हुई वहाँ पे, यहीं पे आज गंदी हुई। यूपी है ना, यूपी में जानते हैं थोड़ा कचरा वगैरह बरसात वगैरह होती रहती है, पानी की निकासी कम है, इसलिए थोड़ा कीचड़ हो जाती है, गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। नहीं तो हम अपना कान ही साफ करते, जितनी ज्यादा गंदी होगी ना गाड़ी समझ नहीं है, तो गाड़ी किसकी है, साफ होता है। तुमको डस्ट कितना आ रहा था मुंह के अंदर, हाँ ऐसा लग रहा है कि ना सारे डस्ट जो है ना हमारे मुंह के अंदर, क्या जीव निकालना सीख गया तू, अच्छा जीव ऐसे नुकीला एकदम, वहाँ देखो, हाँ अपनी मम्मी के ऊपर गैस करूँ मैं, तो नुकीला नहीं हुआ, हाँ एकदम नैरो है आगे, तुम्हारा देखो जीव पर तुम्हारा भी नुकीला, तुम्हारा जीव देखो तुम्हारा नहीं है, इसका जीव सही है, मैं नुकीला नुकीला मुन्नू देखो मुन्नू यही सब सीखो बेटा, और कुछ नहीं सीखोगे। अच्छी जी ये साफ हो जाए साफ, ये यार अपने गाल पे मत चलवाओ, अभी खसरा हुआ है, नहाए नहीं है गाइस, मुंह भी नहीं धुले, तुमके मुंह पे वो जीप चला रहा है, बताओ ये भी नहीं नहाया, छी छी हम कैसे रगड़ रगड़ के नहाते हैं, सब लोग नहाए गाइस, नहीं ये तो नहीं नहाए, हम नहाए आज ही तो नहीं नहाया मैं, परवीन ने नहाया था मैं अंदर सही, परवीन स्वच्छ रहता है, मेरे बेटे का क्या है ना, ऐसे नहीं टलेगा मुंह में, ऐसे करेगा मुंह से चाटेगा किसी का मुंह, इसकी बड़ी बैड हैबिट्स है, डांटते हैं इसीलिए इसको हम। तो गाइज हम रास्ते में रुके थे, मेरा चेहरा एकदम मिट्टी जैसा बन गया था, एक्चुअली इतना ज्यादा डस्ट हो गया था ना गाड़ी के अंदर, तो हम लोग चेहरे को डस्ट जा रहे थे, किट्टो बोली मुझे छींक भी आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल उलझन सा हो रहा है, फिर मैंने गाड़ी पूरा वॉश कराया, पता क्या गाइज अभी दिल्ली वगैरह में ना इतना मतलब वो नहीं होता कीचड़ वगैरह, और गाँव में क्या कि भाई वहाँ पे भी हर चीज की है, यहाँ पे अलग व्यवस्थाएं हैं, तो गाड़ी जब चली है ना तो और भी पैर के शूज में जो लगे हैं धूल मिट्टी सब गाड़ी के अंदर आ गए हैं, ये सब दिक्कत हुआ है, और मैं बैठे बैठे वहीं पे अपना मुंह वॉश मतलब पहले फेस वॉश किए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा टचअप किए, फिर भी इतना अच्छे से नहीं हो पाए, क्योंकि अब शीशे में देख करके ज्यादा बेस्ट होता है, वैसे छोटे से मिरर में देख करके जो हुआ होगा, तो बस मन तो कर रहा था बस वापस चले जाए, इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना टाइम लग रहा था, जो इसीलिए कितने में तो मैं पहुंच जाती, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा, अब देखो फ्रेश सा लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।